सब छोड़ो और ये बताओ आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे हुँ? बाबा डॉक्टर सत्या का हाथ फ्रैक्चर हो गया है ना तो मुझे उनसे मिलने जाना है प्लीज आप मुझे उनके घर ड्रॉप कर दोगे अपने मोहित चाचू को बोल दो वो ड्रॉप कर देंगे मुझे आज काम है नहीं बाबा प्लीज आप ही मुझे ड्रॉप करने चलो ना मुझे आपके साथ जाना है रीनू जिद नहीं करते बड़ा मोहित चाचू है ना लेके जाओ उन्हें और जल्दी जाओ ओके मैं अपने सारे टॉयज लेकर जा रहा हूँ और डॉक्टर सेट भी अरे जाओ भाई जल्दी जाओ भाई अगर आप फिर से सही की बात करने वाले हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी है प्लीज चलो ठीक है तुम्हारे बारे में तो बात कर सकती हूँ ना कब तक ऐसे चीजों को टालते रहोगे तुम अपने बच्चों से ऐसे बहाने बनाते रहोगे अरे भाई जैसे तुम सभी के बाबा हो वैसे ही सही बीनू की आई है ना एक ही शहर में रहते हो ये तो चलता रहेगा आना जाना कभी सही यहाँ आएगी कभी बीनू वहां जाएगा कभी वो तुम्हें ले जाने की जिद करेगा तो क्या आज की तरह ऐसी बातों को टालते रहोगे अपने आप को कमरे में बंद करके खुद ही को तकलीफ देते रहोगे किसने बोला कि मैं तकलीफ में हूँ कोई तकलीफ नहीं मुझे बहुत खुश हूँ आई क्योंकि मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई रख ही नहीं रहा उम्मीद में किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ मैं आई हर तकलीफ का जड़ उम्मीद होती है जब उम्मीद ही नहीं लगाई है तो तकलीफ कैसी बरोबर है विराट लेकिन फिर आई बस कोई बात नहीं करनी नहीं बीमार आदमी पर अत्याचार हो रहा है अच्छा और ये बीमार आदमी अपने पर खुशी खुशी अत्याचार करवा भी रहा अच्छा बच्चों गर्मा गर्म पूरन पोली किसको खानी है मुझे 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 जाओ रेडी है लाओ तुम ये मजाक वैसे ना ये हेयर स्टाइल तुम पे बहुत सूट करता है तुम ऐसे ही रहना चाहिए